तो जैन साथियों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छे होंगे और खाते पीते होंगे। मुझे पता है मेरे भाई बंधु खाने में भी तो बहुत आगे रहते हैं, मुझे पता है। और दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में AOC के बारे में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। सर, हमारा रिजल्ट कब आने वाला है? सर, इसमें न्यू वैकेंसीज कब आएंगी AOC में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की? और सर, किस किस फील्ड में आएंगी? टीममेट की आएंगी सर, फायरमैन की आएंगी सर, क्लर्क की आएंगी सर, CMD ड्राइवर की आएंगी सर, किस ट्रेड की कितनी पोस्ट आने वाली है? ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं AOC के बारे में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आपको पता है गाइज, आपको पता है अभी जो कुछ टाइम पहले आपका पेपर हुआ था इसमें MA के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए, और आपका जो DV था वो भी कंप्लीट हो चुका है। DV आपका दोबारा फिर होगा, वो तो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल DV था। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका एक अच्छे वाला DV होगा जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मांगा जाएगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स गए थे क्या कहते हैं एग्जाम के लिए, वहाँ पे आपका स्टेट सेंटर जो है आ जाओ भाई, बिल्कुल मतलब सब पेपर दे पाए हैं। पता है मुझे आपको डॉक्यूमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन अब जो कैंडिडेट्स पास होंगे जिनका DV होगा, ठीक है, जो MA लगेंगे, आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ठीक है, सेंटर वाला कौन सा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे पूछेगा कि सर सेंटर गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट कैसा होता है, वो मुझे पार्टी देगा। ठीक है, वो मेरे फोन पे पे गूगल पे पे कुछ पैसे ट्रांसफर करेगा जो मुझसे पूछेगा ये बात कि सर सेंटर गवर्नमेंट वाला कौन सा सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी ये। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। और ये सर्टिफिकेट SC ST OBC का मांगा जाएगा आगे चल के। ठीक है, बात करते हैं कितने कैंडिडेट सर पास किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है MA की जो आपकी वैकेंसीज हैं कितनी थी, 419 पोस्ट थी। ठीक है, 419 पोस्ट पे ये भर्ती आई थी AOC में, AOC रिकॉर्ड सिकंदराबाद की तरफ से। ठीक है, और आपको बता दूं भाई, इतने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, एक भी कैंडिडेट ज़्यादा पास नहीं होगा। इसमें कहीं सोच रहे हो 450 कैंडिडेट्स को पास कर देंगे, कुछ इसमें मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, हमारा नंबर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला है। जो कैंडिडेट्स पास होंगे वही होंगे 419 के 19, एक कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पास नहीं करेंगे वो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपकी वैकेंसीज को इनक्रीज किया तो ज़्यादा कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ जिनका भी लिस्ट में अभी नाम आएगा उनमें से कोई भी मेडिकल में अनफिट नहीं होगा, जिसकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब होगी वही मेडिकल में बाहर होगा, अदरवाइज सभी मेडिकल में पास हैं। 419 में से 417-418 बंदे तो वैसे ही पास हैं, एक दो रह सकता है मेडिकल में जिसकी कुछ ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। गंभीर समझ रहे हो आप, गंभीर क्या होता है ना, थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है मेडिकल में, किसी का ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, वो यहाँ पे रह सकता है। अदरवाइज मेडिकल में मेल हो फीमेल हो सब पास है इसमें, मेडिकल बहुत सिंपल वे में होता है। ठीक है, और यूनिट आपको बताए कि आपको मेडिकल कहाँ जाके करवाना है। ओके, तो मेडिकल आपका सिविल मेडिकल में होना है, फौजी आपका जो मेडिकल है वो नहीं करेंगे, आपको खुद से ही करवाना है मेडिकल। अपने डॉक्यूमेंट आपको देंगे वो, यूनिट से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो लेके आपको जाना है सीधा आपके सिविल मेडिकल में, वो आपका चेकअप जो भी करते हैं वो कर देंगे। ठीक है, फुल वीडियो आपको चेकअप के क्या क्या आपका चेकअप होगा, क्या क्या टेस्ट आपके होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अगली वीडियो का भी बनाऊंगा, आपका रिजल्ट आने के बाद जो MA लगने वाले हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सब MA तो लगेंगे नहीं, जो पढ़ाकू पर्सन है वही MA लगेंगे ना। तो जो पढ़ाकू पर्सन है ध्यान दीजिएगा, अगर आपके नंबर 100 तक भी बन रहे हैं जनरल OBC ST के, तो भाई आपका जो रिजल्ट है अच्छा जाएगा, आपका लिस्ट में नाम जरूर आएगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन जिनके नंबर 50, 60, 70 तक बन रहे हैं आप भूल जाइए। हाँ, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, PW में आते हो, तो आपका 70 तक हो सकता है। ओके, बाकी देखो आपको पता है यार AOC रिकॉर्ड कभी कट ऑफ नहीं बताता, वो डायरेक्ट आपके लिस्ट में नाम डालेगा, जिसका नाम आ गया जय बाबा की, जिसका नहीं आया कुछ नहीं है, है ना। तो कट ऑफ नहीं बताता ये AOC रिकॉर्ड, या फिर आर्मी का आप कोई भी फॉर्म देखो, कोई भी भर्ती उठा लो, कट ऑफ नहीं बताते ये, डायरेक्ट लिस्ट में नाम डालते हैं। ठीक है, और जो आपकी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, टीममेट की वैकेंसीज आएंगी, क्लर्क की आएंगी, और आपकी फायरमैन की पोस्ट, ये तीन पोस्ट तो आपकी डिक्लेयर हो चुकी हैं, ये तो वैकेंसी पक्का आएंगी आपकी, बस आपको तैयारी करते रहना है। अभी फायरमैन का जो नोटिफिकेशन आपको जैन में मिल जाएगा, जनवरी में मिलेगा आपको इसका नोटिफिकेशन, और अप्लाई भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, अप्लाई की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन जनवरी में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा साइट के ऊपर, तो आपको तैयारी करते रहना है। टीममेट की वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, टीममेट की भी आएंगी और क्लर्क की भी आएंगी। क्लर्क की थोड़ी वैकेंसीज कम आ सकती हैं, लेकिन आपकी टीममेट और फायरमैन की वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा आएंगी, और भाई आपके लिए एकदम गोल्डन चांस होगा। ठीक है, और भाई जो टेस्ट आप जो आपका रिजल्ट है MA का 31 दिसंबर को आने के, मतलब अकॉर्डिंग टू नोटिस
आ जाएगा 110%, 99% श्योर हूँ मैं आपका रिजल्ट 31 को ही आएगा। अगर कुछ इशू हुआ AOC रिकॉर्ड में, आपको पता है दोस्तों क्लर्क के वैसे मतलब आप काम देखो AOC रिकॉर्ड का कम नहीं है यार, इतनी जल्दी आपका पेपर करवा दिया, आपका DV करवा दिया, तो रिजल्ट भी वो जरूर देंगे। अगर कुछ बड़ा इशू हो जाता है तो आपका रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है, 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो रिजल्ट आपका बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ चुका है, आप बहुत जल्दी MA बनने वाले हो, और आप सबको यार बहुत बहुत बधाइयाँ एंड आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स के लिए। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो देखने वाले सब MA लग जाएं, आप सब तो लगेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन जो लगेंगे यार मतलब लग जाओगे यार, टेंशन मत लो। न्यू वैकेंसी और भी वैकेंसी जा रही हैं आपकी MA में, मतलब AOC में, आप उसमें सिलेक्टेड हो जाओगे, टेंशन डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। वैकेंसी आती रहती हैं, फॉर्म आते रहते हैं, जो पड़ेगा वही लगेगा, ठीक है। तो भाई आपका जो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, कैंडिडेट्स पास उतने ही होंगे जितनी आपकी पोस्ट हैं, कोई एक्स्ट्रा बंदा पास नहीं होगा, मेडिकल बिल्कुल सिंपल वे में होगा। रिजल्ट आने दो, मेडिकल के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा, क्या क्या आपका टेस्ट होने वाला है मेडिकल में, उसकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मेडिकल में आप सब पास हो, कुछ भी आपका डाउट हो इस भर्ती के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और भाई जो आपकी वैकेंसीज हैं जनवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो मेरे भाई बंधु फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आप भर्ती होना चाहते हो AOC में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, आपको मेरा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू सो मच।